हेलो गाइज, तो क्या हाल है सबका यार। तो सबका स्वागत है यार सीओडी के गेम प्ले में, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि आप सब लोगों को पता ही है। मैं इसकी स्ट्रीम भी करता ही हूँ। तो इसका ये गाइज हमारा बैटल रॉयल का मैच है। तो इसमें हमने चिकन डिनर किया, विनर हम, ये मैच हमने विन किया था। तो काफ़ी बढ़िया मैच रहा है। इसके ग्राफिक्स आपको सब दिखेंगे, लेकिन ग्राफिक आपको इतने साफ नहीं दिखेंगे क्योंकि 720p पे मैं ओमलेट आर्केड से स्ट्रीम कर रहा था, क्योंकि इससे ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था ओमलेट आर्केड। तो मैंने वही से मतलब ये अपना हाईलाइट निकाली हुई है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। लाइक गेम करते गाइस 100 का, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे यार, लाइक कर दो बस, और शेयर कर दो। जो नए हैं वो सब्सक्राइब मार लो यार। और अगर आपको सीओडी के गेम प्ले और भी चाहिए होंगे तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं इसके अलग से स्ट्रीम से नहीं, अलग से गेम प्ले लाया करूँगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले फीचर इसमें बहुत सही है, जो कि हम FPP TPP से चलते ही कर सकते हैं। लेफ्ट में नीचे कॉर्नर में एक आइकन होता है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लाइव स्ट्रीम पे। तो वो होता है, वो भी हम बड़ी इजीली कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम गेम FPP भी खेल सकते हैं, TPP दोनों का मज़ा ले सकते हैं। तो पहले तो हमें पता नहीं है कौन सा होर्ड रोपा कहीं नहीं है। तो मैं यहाँ उतरा था हाफ फॉर्म में, तो बंदा कहता है यहाँ पे बंदे बहुत उतरते हैं। तो जैसे मुझे गन, मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब पूरा, जैसे आप TPP खेल रहे होते हैं तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है जैसे PC में नहीं चलती है गेम। ये कौन सा गेम है ब्रो भाई? ये PUBG PC चलती है, तो भी बंदा ऐसे ही चलता है, मतलब FPS उसके ऐसे ही चलते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया गेम है। तो अब तो इन्होंने बैटल रॉयल भी निकाल दी, तो इसमें एयरक्राफ्ट भी है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एनिमल दिखे, ऐड कैसे करूंगा मैं? तेको अपना नाम बता दो, सर्च करियो। अब ये सामान ही उठा रहा, देखो एम्प्टी किलर मार दिया मैंने। अरे एम्प्टी किलर था भाई साहब, ओ भाई एम्प्टी था। गाइस मुझे नहीं पता, हम दोनों ने इकट्ठे एक ही लॉबी में मैच स्टार्ट किया था, लेकिन हम एक साथ नहीं खेल रहे थे, हम एक दूसरे के ऑपोजिट थे। तो पता नहीं कैसे मैंने एम्प्टी किलर मतलब गेम में आया, तो मैंने मार दिया उसको। तो मैं बड़ा शॉक हुआ कि वो भी इसी मैच में कैसे था। एम्प्टी किलर वो था नूब, आपको पता ही होगा सबको। तो यहां से हम निकल दिए। तो आप इस पर ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर, अगर 1080 मतलब PS4K सपोर्ट कर रहा था, तो काफ़ी बढ़िया मतलब आपको देखने को मिलता। तो कोई नहीं, फिक्र मत करो। तो उसमें भी मैं काफ़ी सारी अब गेम प्ले लेके आऊँगा अगर आप बोलो तो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना यार अगर आपको चाहिए होंगे तो। यहाँ पे ये बंदे तो काफ़ी सारे मिल रहे थे, तो मैं मार भी रहा था। तो सबसे बढ़िया गेम की चीज़ मुझे ये लगी कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा फास्ट है यार। इसको कोई स्लो बंदा तो बिल्कुल ही नहीं खेल सकता, जो कि मतलब स्लो होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट इसमें हर एक चीज़ है। तो आप भी बहुत मतलब कंट्रोल इसके थोड़े पबजी के जैसे ही हैं, तो खेल सकते हो। जो पबजी के लवर्स जो भी हैं खेल सकते हैं, बहुत ही ईजी और आपको मज़ा है, क्योंकि इसमें एयरक्राफ्ट भी, आप जहाज़ में भी जा सकते हो, आपको कहीं जहाज़ मिल सकता है, ऐसे गाड़ियाँ मिलती हैं, इसमें जहाज़ भी मिल जाते हैं। तो इस गेम प्ले में वैसे वो जहाज़ उड़ा नहीं रखा, लेकिन आप देख सकते हैं मैं लाऊंगा गेम प्ले, उसी के भी टेंशन मत लो। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था कि ऐसे नहीं कि ये नूब्स थे भाई, इतने खतरनाक प्लेयर थे ना भाई, पूछो मत। इसमें पता है हमने कैसे चिकन डिनर लिया, बहुत मतलब इसमें तो मैं कहता हूँ बहुत आसानी से चिकन डिनर ले लिया हमने, मतलब विनर हो गए। लेकिन ये गेम मतलब बहुत ही खतरनाक थी भाई, इतने तगड़े तगड़े प्रो बंदे हैं इसमें, पूछो मत यार। और इसका इस गेम में रिकॉइल कंट्रोल करना तो भाई किसी के बस की बात नहीं है भाई, इतना मुश्किल से रिकॉइल कंट्रोल होता है, और भाई पूछो मत। सेंसिटिविटी बहुत इसके ऐसे नहीं कि नॉर्मल सेंसिटिविटी सेट करते हो जाएगी ना, हर एक चीज़ की अलग सेंसिटिविटी सही करनी पड़ती है स्नाइपर की, मतलब पूछो मत। तो गाइस यहाँ पे मुझे यहाँ पे बंदा दिखा, तो मैं नो स्कोप मारने की सोच, क्योंकि स्कोप ऑन करके काफ़ी ज़्यादा रिकॉइल कंट्रोल करना पड़ता है, मुश्किल भी होता है। तो इसमें सीधा सीधा बंदा मारता था, नो स्कोप, मैंने उसको मार दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया मेरे लिए उसको मारना।
तो ये वाली चीज़ बड़ी सही है। आपको पहले क्लास सेट करनी पड़ती है सबसे पहले कि आपको निंजा बनना है, मेडिक बनना है, डिफेंडर बनना है। अगर आपको निंजा बनना है तो आपको ये रस्सी मिलेगी, ऐसे आप ऐसे करोगे तो आप सीधा स्वाइप हो जाओगे। आपके को डिफेंडर में आपको शील्ड देंगे, वो पावर मिलती है, आप उसको दबाओगे तो हो जाएगा। यहाँ पे एक बंदा था, काफ़ी हल्का सा टाइम था, नहीं तो मुझे ख़त्म कर देता, लेकिन मेरे टीम मेट्स ने मेरे को बचा लिया या मैं उसको ख़त्म कर देता, कुछ तो होता। तो गाइस ये लास्ट मोमेंट है इस मैच की, एक बंदा बचा था। तो उस बंदे ने बोल दिया कि ये मेरे को बंदा सपोर्ट हो चुका, तो मैं गया उसी तरफ भागता हुआ, लेकिन वो बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा था, तो उसने सीधा फायर ही मेरे पे चला दिया। तो मैं यहाँ पे कवर लेके थोड़ी सी हील करने लगा, अरे 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 लेकिन हील कर रहा था, लेकिन उसने मेरा हेड देख लिया, तो फायर चलाई जा रहा था कंटिन्यूअसली। कास तो मैं यहाँ से निकला, उसके पास स्कोप भी हो सकता था शायद, तो मेरे पास ना स्कोप था ना रेड डॉट, कुछ नहीं था। एक कैम और ये UMP के नाम जैसी गन थी, एक 9mm की, तो मैं उससे फायर कर रहा था। यहाँ पे छोटी छोटी गन बहुत रिकॉइल होती है, तो मैंने लास्ट में यहाँ पे एक कैम से बंदे को ख़त्म कर दिया AK-47 से। तो बहुत मज़ा आया यार इस गेम को खेलने में, आप सब लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब इस गेम को मैं खेलता हूँ। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मुझे बता देना यार कि आपको ये और गेम प्ले चाहिए। जल्दी बताइए, मैच जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम क्या हुआ था जो लास्ट मैच स्टार्ट हुआ?